जीत का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं है, उसमें भगवत कृपा, हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन, हमारा लार क्षेत्र के बुजुर्ग, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक युवा, प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक हमारे साथ कार्य करने वाला कार्यकर्ता, जिसने कई वर्षों में और एक दिन की लड़ाई में कोई जीत नहीं मिली, इस जीत के पीछे 33 साल में कितने कार्यकर्ता लहार में शहीद हो गए, कितने कार्यकर्ताओं के अपहरण हुए, कितने कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे, एक व्यक्ति का श्रेय, और हम कहें कि हमारी मेहनत की दम पे आ गए, हमारा ऐसा नहीं है। जो पेड़ बट वृक्ष लार क्षेत्र की जनता ने लगाया है वो अभी फलित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को और उन सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता है जिन्होंने अधिक मेहनत और प्रयास किया है। ये जीत जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। नेता जी, कौन सा पहला काम है जो आप भिंड जिले की करना चाहेंगे? भिंड के विकास के लिए पहला जो शिविर है जो अधूरा पड़ा हुआ वो हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा काम रहा है? देखिए ग्रामीण में जो लगाई जनता कहेगी वो करेगी। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जो सेवा मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, हमारे परिवार ने अटेर क्षेत्र की पिछले 45 वर्षों में करी, ये उसका परिणाम है कि जनता ने भी मुझे अपना बेटा मान करके आशीर्वाद दिया और न सिर्फ चुनाव जिताया बल्कि प्रचंड बहुमत से मुझे चुनाव जिता करके विधायक निर्वाचित किया है। और इस जीत के बाद मैं यही आश्वस्त कर सकता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को कि मैं भी आपका बेटा बन के आपकी सेवा करूँगा, आपके चरणों की धूल बनकर सेवा करूँगा, जो भी समस्याएँ हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की, उन सबको दूर करने का मैं निराकरण करूँगा। और अगले 5 साल में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकूं और आपका जो दिया हुआ आशीर्वाद है उस पर सफल होकर खरा उतर सकूं। सरकार बीजेपी नहीं, देखिए लड़ाई तो तब लड़ी जाती है जब सुनवाई नहीं होगी। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों उनको कोई अटेर क्षेत्र से घृणा नहीं है, जैसा विकास बाकी जगह भी अगर देंगे तो अटेर के लिए भी बजट का आवंटन होना चाहिए और वो कार्य पहले जो भ्रष्टाचार में जा रहा था अब वो सीधे जनता के पास पहुंचेगा और नीचे काम में होगा। और दूसरी चीज बड़ा फेमस हुआ था, जनता ने उसका जवाब दे दिया है, अब आप इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए जनता ने दद्दा टैक्स से तो मुक्ति दिलाई दी है तो इसके लिए तो मैं जनता को भी धन्यवाद दूंगा। और इस टैक्स से जनता वास्तविकता में बहुत पीड़ित थी तो ये आवश्यक था हमारे अटेर क्षेत्र की जनता के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी कि भ्रष्टाचार से मुक्त क्षेत्र और राजनीति होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि इतने लंबे मार्जिन से जिताया है तो अगली बार कोई भी अन्याय, कोई भी झूठी FIR करने से पहले या भ्रष्टाचार करने के पहले या दद्दा टैक्स लगाने के पहले 1000 बार सोचेगा। भाजपा के जो सहकारिता मंत्री आपने हराया है तो कितना कठिन था आपके लिए? नहीं, मुझे उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं लगी क्योंकि मंत्री जी को मुझसे पहले उनके भ्राताश्री ने ही हरा दिया था तो मैं तो जनता के बीच में रहा, आशीर्वाद लेता रहा और जनता ने पूरी भरपूर मदद करी तो मुझे कभी भी ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पहले दिन से ही अपने अंदर विश्वास था कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा बहुत अच्छे मतों से और मैं आपको कहता भी रहा था जब से मैं चुनावी मैदान में आया था और अंततः आज चुनाव जीता हूँ तो मैं वही बात दोहरा रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए। देखिए मेरा तो स्वर्गीय पिताजी ने पूरी संघर्ष की राजनीति करी है तो समस्याओं का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बाकी यह है, पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाती है तो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, 230 सीटों के हैं, एक सिर्फ भाजपा जहाँ जीती उन सीटों के नहीं है। पहले तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि भेदभाव की राजनीति ना हो और यदि वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया है तो मैं विधानसभा के अंदर पटल पर अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में खींच कर लाने के लिए प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से मैं यहां पर काम करवा करके जनता का विश्वास जीत के दिखाऊंगा। जनादेश का हम सम्मान करते हैं, जो भी जनाशीर्वाद भिंड की जनता ने जिसको भी दिया है उसको एक बार बधाई और हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे, फिर से जनता के बीच में आएंगे, फिर मेहनत करेंगे और 5 साल बाद फिर जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। तो इस बार मतलब वजह क्या रही है, कमियां कहां निकल के आई जिस तरह से? कमी तो हमने काम में तो कहीं कोई कमी नहीं थी अब, लेकिन जनता है, जनता का
जो भी मन हुआ हो, जो भी उन्होंने चयन किया है, लेकिन उनको बधाई। और एक बार मैं उनसे भी कहूंगा कि जनता की सेवा करें, विकास के कार्यों को जो हमने आगे बढ़ाया उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, जो जीत रहे हैं उनकी वजह क्या है उनके जीतने की? अब भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहना योजना है, मुझे लगता है मुख्य वजह वही है इस चुनाव की।